कसरात तहसील मुख्यालय के मेला ग्राउंड मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद था। रावण दहन परंपरागत गांव पटेल द्वारा किया जाता है, जो कि नंदलाल पटेल के सुपुत्र राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। रावण दहन के बाद नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव द्वारा संपूर्ण नगर वासियों को दशहरे की शुभकामना देते हुए बताया कि तहसील भर में आज विजयादशमी पर्व बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके चलते तहसील मुख्यालय स्थित मेला ग्राउंड मैदान पर 41 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। कौमी एकता की मिसाल एवं गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने वाले नगर कसरावद में मुस्लिम समाज द्वारा दशहरा मैदान जा रहे सभी नगरवासियों का स्वागत किया गया। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। सत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार आज दशहरा मनाया जा रहा है। आज कोरोना के बाद लगभग 2 साल बाद इतना उत्साह गांव में दिखाई दे रहा है, क्या कहें? विजयादशमी का त्यौहार आज हमारे यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समस्त नगरवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा विजयादशमी सपरिवार मंगलमय हो। कोरोना महामारी के बाद का ये पहला हमारा दशहरा का त्यौहार, जहां नगर की और क्षेत्र की जनता एक स्थान पर दशहरा मैदान पर एकत्रित होकर और सभी हर्षोल्लास के साथ दशहरे को मनाते हैं। और आज भी उसी कड़ी में हमारे नगर परिषद की ओर से सारी व्यवस्थाएं, समुचित व्यवस्थाएं की गई और आज दशहरा का त्यौहार नगर की जनता के साथ सौहार्दपूर्ण और सद्भावना का ये त्यौहार हमने हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर, गले मिलकर मनाया। मैं पुनः कसरावद नगर की जनता को, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ और आने वाले समय में इस त्यौहार को और उत्साह के साथ हम और इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी परिषद का, हम लोग परिषद के साथ मिलकर इस आगामी समय में और इस त्यौहार को और अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। पुनः मेरी ओर से, हमारे नगर परिषद की ओर से सभी नगरवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।